अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तत्कालीन संयुक्त आयुक्त सहित एक अन्य पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। विश्वास में लेकर जमीन अनुबंध के नाम पर की 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी। मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति ने मानव अधिकार ब्यूरो से लगाई मदद की गुहार। विश्वास में लेकर एक व्यक्ति के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सभी दूर भटकने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर मानव अधिकार ब्यूरो कार्यालय पहुंचा और आवेदन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। मानव अधिकार ब्यूरो के संभागाध्यक्ष संदीप उपाध्याय ने बताया कि देवास निवासी दिलीप सिंह पिता महेंद्र सिंह राठौर आयुक्त कार्यालय उज्जैन में सहायक विस्तार अधिकारी के पद पर मई 2022 तक कार्यरत थे। दिलीप सिंह के साथ हुई धोखाधड़ी के समय आयुक्त कार्यालय उज्जैन में प्रतीक सोनवलकर संयुक्त आयुक्त विकास के पद पर पदस्थ थे। अधिकारी श्री सोनवलकर एवं देवास जिले के ग्राम मेरखेड़ी निवासी सुमेर सिंह पिता केशर सिंह का आपसी लेन देन था। दोनों ने चक्रव्यूह रचकर दिलीप सिंह के साथ विश्वासघात किया। दिलीप सिंह को विश्वास में लेकर पुत्र पुष्पराज सिंह राठौर के नाम से सुमेर सिंह एवं उनकी पत्नी राजूबाई के स्वामित्व की कृषि भूमि का अनुबंध पत्र बनवाया, जिसमें दिलीप सिंह के पुत्र पुष्पराज सिंह राठौर द्वारा रजिस्टर्ड इकरारनामा लेख 1 अगस्त 2018 को दो गवाहों के समक्ष निष्पादित करवाया। उक्त भूमि को दिनांक 31 अक्टूबर 2018 से 10 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2028 तक कृषि कार्य कर फसल का उपयोग करने के लिए कुल राशि 17 लाख रुपए देना तय किया, जिसके प्रथम 5 वर्ष की राशि रुपए 8 लाख रुपए नगद राशि लोन निकालकर जमीन मालिक सुमेर सिंह को 1 अगस्त 2018 को दिलीप सिंह ने दिए थे। दिलीप सिंह ने जमीन पर खेती करने के उद्देश्य से लगभग 9,55,700 रुपए खर्च कर दिए। इस प्रकार भूमि को लीज पर लेने के लिए दी गई राशि 8 लाख एवं 9,55,700 रुपए कुल खर्च 17,55,700 रुपए का वहन किया। दिलीप सिंह ने भूमि पर अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2020 कोरोना लॉकडाउन तक कुल 18 माह खेती की। दिलीप सिंह अप्रैल 2020 कोरोना लॉकडाउन के समय जब मैं अपनी जमीन पर गए तो उनकी खड़ी फसल जिसमें प्याज, लहसुन, मेथी, गिलकी, गाजर इत्यादि लगी हुई थी, उस पर सुमेर सिंह ने ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट कर दी थी और कहा कि इस भूमि पर अब कभी मत आना, क्योंकि यह मेरी जमीन है एवं मैं किसी भी प्रकार के लीज अनुबंध को नहीं मानता हूँ। अगर अब जमीन पर दिखे तो तुझे जान से मार दूंगा व गाली गलौज करता रहा। उपरोक्त समस्या को लेकर पीड़ित दिलीप सिंह ने थाना प्रभारी बरोठा एवं पुलिस अधीक्षक को दिया, लेकिन आवेदन के 1 वर्ष तक कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई। अब तक 3 से 4 बार आवेदन देने के बाद भी पुलिस अब तक धोखाधड़ी करने वाले श्री सोनवलकर एवं सुमेर सिंह पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित दिलीप सिंह दर-दर भटकने के बाद मानव अधिकार ब्यूरो कार्यालय पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। मानव अधिकार ब्यूरो के संभागाध्यक्ष श्री उपाध्याय, नगर अध्यक्ष विशाल गुजेवार, सचिव अरविंद यादव, कोषाध्यक्ष सुनील गौड़, विजय प्रजापति, संजय पंवार ने पीड़ित दिलीप सिंह को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संभागाध्यक्ष उपाध्याय ने कहा कि दिलीप सिंह विगत 3 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान है, उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई है। उपरोक्त मामले को लेकर शीघ्र ही मानव अधिकार ब्यूरो का प्रतिनिधि मंडल आईजी, एसपी, कलेक्टर एवं थाना प्रभारी सहित संबंधित जवाबदार अधिकारियों से मिलेगा। मानव अधिकार आयोग के ऑफिस में आया था, संदीप जी उपाध्याय जो संभागीय अध्यक्ष हैं ब्यूरो के, उनको मैंने आवेदन दिया है। मेरे 2018 से एक जमीन का लीज करवाया था, मेरे बेटे के नाम से हुआ था वो, और मैंने पर्सनल लोन लेके इसके एवज में पैसे उनको एडवांस दे दिए थे जो लीज डेड हुआ था उसके आधार पे। उसके बाद मैंने जो ज़मीन पे
अमरूद का बगीचा और ये सब लगाया, ट्यूबवेल कराया, बोरिंग कराया और मोटर वोटर लगाई। उसके बाद में नोटबंदी का टाइम के बाद में जो लेन देन था इनका हमारे संयुक्त आयुक्त के बीच में जमीन जो अथॉरिटी है सुमेर सिंह उसके दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हिडन अमाउंट था उनका, वो अमाउंट का पैसा मेयर से वसूल करके और ज़मीन पर कब्जा कर लिया ये अभी कोरोना काल में 2020 में। 2020 से मैंने थाने पे रिपोर्ट डाली है परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं अधीक्षक महोदय के वहाँ भी 5-6 आवेदन दे चुका हूँ और कोई आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ पर स्थित ज़मीन है और ये कब से है? मेरखेड़ी में, किसके नाम से? नापाखेड़ी पंचायत का है वो, सुमेर सिंह पिता केसर सिंह के नाम से जमीन है। कितना समय हो गया? और राजू भाई उनकी जो पत्नी है राजू भाई केसर सुमेर सिंह उन दोनों के नाम की जमीन थी और वो 2018 में एग्रीमेंट हुआ था। कितने समय के लिए ली थी और कितनी राशि? 10 साल के लिए ली थी 17 लाख रुपए में और 8 लाख रुपए एडवांस मैंने पर्सनल लोन लेके दिए थे उसके। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये तो हमारे फोर्जरी जो मेरे साथ हुई है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। थाने पे तो थाने वाले परामर्श देते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में सिविल सूट का मामला नहीं है, फोर्जरी का मामला भी है। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, मेरे साथ दारू गलौज करी उन्होंने, जबरन कब्जा कर लिया जमीन पर। कितने समय में जमीन वापस की? सामान भी वहाँ रखा हुआ है 8-9 लाख का। कितने समय में जमीन वापस ले ली उन्होंने आपसे? मैंने 1.5 साल में वापस ले ली। 1.5 साल मतलब 3 फसल कर पाया हमने। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाले? देवास का ही, 35 कटे 2 राधागंज देवास। और अभी कौन व्यक्ति आपके पास आए थे और क्या समस्या लेके पहुंचे थे? मानव अधिकार ब्यूरो का ऑफिस है, इसमें दिलीप सिंह जी राठौर, इनके साथ क्या है कि जो अधिकारी है जिला पंचायत में संयुक्त आयुक्त के पद पे है, उन्होंने चक्रव्यूह बना के ये कौन सी पोस्ट का सहायक विकास अधिकारी के पोस्ट पे है, उन्होंने चक्रव्यूह बना के उनका लेन देन था सुमेर सिंह जी पिता केसर सिंह के नाम कौन सा नाम मेरखेड़ी। तो मेरखेड़ी में जमीन है 12 बीघा, जो 12 बीघा पे एग्रीमेंट बनवाया और 10 साल के लिए लीज पे रखा, जिसमें 5 साल की जो फर्स्ट किस्त देना थी 8 लाख रुपये, इन्होंने पर्सनल लोन से लेके वो 8 लाख रुपये दिए और जो एग्रीमेंट हुआ है इनके पुत्र पुष्पराज राठौर के नाम किया गया है और 1.5 साल इन्होंने फसल की और उस पर फिर खड़ी फसल पे इन्होंने ट्रैक्टर सुमेर सिंह जी ने घुमा दिया, जो उनका पैसा उन्होंने निकाल लिया, बाकी का जमीन उनने उनका पर कब्जा कर लिया। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब हमारे द्वारा IG साहब, SP साहब और थाना प्रभारी और कलेक्टर महोदय के पास आवेदन दिया जाएगा, जिसमें इनके साथ विश्वासघात 407 धारा और धोखाधड़ी 420 धारा के लिए आवेदन देंगे। ठीक, आपका परिचय? संदीप उपाध्याय, मानव अधिकार ब्यूरो, संभाग अध्यक्ष।